खरगोन जिले की बड़वाह पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने पिता की हत्या के आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। एसडीओपी अर्चना रावत ने बताया है कि 9-10 अगस्त की रात को चंदनपुरा खेड़ा में मृतक रमेश बारिला और उसके बेटे राहुल के बीच घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें आरोपी बेटे राहुल ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपने पिता की हत्या कर दी और महाराष्ट्र फरार हो गया था। बड़वाह पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं एसपी द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। बड़वाह थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी की तलाश की, जिसे महाराष्ट्र की रोहिलागढ़ में खेत में काम कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये 9 अगस्त की घटना है, जिसमें डायल 100 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कॉलर ने बताया था कि उसके पिता जो है रमेश बारेला, फरियादी के जो कॉलर का जो भाई है, उसी ने उसके पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और वो मौके से फरार हो गया। इसी की सूचना पर जो है पूरी बड़वाह की जो टीम है वो घटना स्थल पर पहुंची थी, इसकी तस्दीक की गई और इसी के अनुक्रम में जो है थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। गंभीरता को देखते हुए श्रीमान एसपी सर के द्वारा जो है इसमें टीम गठित की गई थी और मुखबिरों को इसमें सक्रिय किया गया था और संभावित क्षेत्र जो थे बड़वा के आसपास के, इंदौर के आसपास के, सभी संभावित क्षेत्रों में जो है इसमें दबिश दी जा रही थी, परंतु सफलता नहीं मिली थी। लेकिन लगातार जो है बड़वा टीम, बड़वा थाने की जो टीम है कंटिन्यूसली लगी हुई थी और इसी में मुखबिर के आधार पर सूचना मिली थी कि जालना महाराष्ट्र में जो है ये व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहा है, तो साइबर टीम से टेक्निकल हेल्प के आधार पर टीम को तुरंत जो है वहाँ पर रवाना किया गया था और खेत में वो काम करते मिला, जिसमें घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया था। इसमें घटना में प्रयुक्त की गई जो कुल्हाड़ी है इसमें जब्त की गई है और उसे अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। विवाद का कारण क्या रहा था? विवाद इसमें जो है छोटे मोटे विवाद जो है इसमें घर में होते रहते थे और जिस दिन घटना हुई उस दिन भी वह देर रात को आया और इसी बात को लेके पिता ने जो है उस आरोपी को डांटा था, उसी बात को लेके जो है इसने पिता के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर दिया था। इसी के आधार पर एसपी सर द्वारा इसमें 10,000 का इनाम जो है घोषित किया गया है। हाँ, जब इसमें पूछा तो वही है, जब उसके पिता ने उसको रोक टोक की थी तो उसने खुद भी जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया था और फिर घर वाले ने रोका और फिर बाद में बाहर आके उसने अपने पिता के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर दिया था। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जी, उसे पेश किया गया है।